वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर, आपको के फिर से आ गई पोटेंशियल एनर्जी, ये कौन सी पोटेंशियल, कितनी पोटेंशियल एनर्जी करवाओगे, ये आती रहेंगी। अब देखो ना, एक इलास्टिक वायर है, एक रबर बैंड है, आपने रबर बैंड को टांग दिया, देखो उसकी नेचर है वो ना इलोंगेटेड नहीं होना पसंद करती, आप उसे जाके अगर फोर्स लगाएं, उसको लंबा करें और छोड़ दें तो वापस आना पसंद करेगी, इलास्टिक मटेरियल है। तो जब आप उसे लंबा करते हैं, आप उसको खींचते हैं, तो आपको वर्क डन करना पड़ता है उसकी नेचर के अगेंस्ट, और जब आप वर्क डन करते हैं और छोड़ते हैं वर्क डन करना, फोर्स छोड़ दो लगानी, तो वापस आ जाएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने का मतलब क्या है, उसके पास क्या स्टोर हो गई थी, एनर्जी। तो जो आपने वर्क डन किया था वो उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई, जिस वजह से वो वापस आ रही है। और हमने क्या निकालना है, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, या फिर वर्क डन की जगह पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलास्टिक वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने एल लेंथ की वायर ली ओरिजिनल, हमने इसके ऊपर एफ फोर्स लगाई, एफ फोर्स लगाने से ये वायर खींच गई, कितनी इलोंगेट हो गई, छोटा एल लेंथ इलोंगेट हो गई, तो लंबाई इसकी एक्स्ट्रा कितनी हो गई, एल, एल मीन्स छोटा, एल मीन्स इलोंगेशन है। स्प्रिंग वाला केस भी हमने वैसे ही किया था, जब आप इसको खींच रहे होंगे तो फोर्स वेरिएबल लगने वाली है अकॉर्डिंग टू लेंथ, कितनी लेंथ लगाएंगे, तो आप इसकी इंटीग्रेशन से निकालेंगे डी डब्ल्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, एफ इंटू डी एल। आप डिस्प्लेसमेंट स्मॉल इलोंगेशन नीचे करेंगे, फोर्स भी नीचे है तो एंगल उनके बीच में जीरो हमेशा की तरह, तो एफ की वैल्यू आप कैसे पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस, क्योंकि तुम्हें यंग्स मॉडुलस पता है, एल ओरिजिनल लेंथ है, एल एक्सटेंशन इन दी वायर है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, डेल्टा एल की जगह यहाँ पर स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, तो फोर्स बाय एरिया रेसिप्रोकल लेंगे तो कैपिटल एल बाय स्मॉल एल। यहाँ से एफ की वैल्यू क्या आएगी, ए एल और एल राइट लेफ्ट साइड ले जाओ तो ये एफ की वैल्यू आ गई, इस एफ को यहाँ पुट करते हैं, मतलब आपने जो यंग्स मॉडुलस की फॉर्म में जो फोर्स रिक्वायर्ड है, इलास्टिसिटी की फॉर्म में फोर्स रिक्वायर्ड है, उस फोर्स को यहाँ पुट कर देना है, ये पुट कर दिया और इसे इंटीग्रेट कर देना है, तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है जब एक्सपेंशन इन दी वायर डी एल है, पर हमारी एक्सपेंशन कितनी है, स्मॉल एल है, तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे जीरो से डब्ल्यू, जीरो से स्मॉल एल एक्सपेंशन है, एल की इंटीग्रेशन एल स्क्वायर बाई टू, और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें छोटे एल स्क्वायर को दो बार लिखो एल इंटू एल, वो इसलिए क्योंकि वाई ए छोटा एल बाई एल, वाई ए छोटा एल बाई एल तो फोर्स है, तो इस पूरे टर्म की जगह रिप्लेसमेंट कर दी जाएगी एफ फोर्स, तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया हाफ इंटू फोर्स अप्लाइड इंटू एक्सपेंशन प्रोड्यूस्ड। नोट कर लो फॉर्मूला, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर का फॉर्मूला हाफ इंटू एफ इंटू एल, या इसका दूसरा नाम एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलास्टिक वायर। एनर्जी स्टोर्ड इलास्टिक वायर में क्या है, हाफ इंटू एफ इंटू स्मॉल एल, स्मॉल एल एक्सपेंशन है, एफ फोर्स अप्लाइड है, और ये एनर्जी या वर्क डन है। अब इसके अंदर यही वर्क डन है और यही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, आपको न्यूमेरिकल अगर आता है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड तो भी ये फॉर्मूला, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर तो भी ये फॉर्मूला। स्प्रिंग के अंदर भी ऐसा केस किया गया था, वर्क एनर्जी पार में वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग, उसका फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर था, इसका फॉर्मूला हाफ इंटू एफ इंटू एल है, दोनों अलग है, तो पढ़ना पड़ेगा स्प्रिंग को खींचना है या स्ट्रिंग को खींचना है, स्प्रिंग गोल गोल स्प्रिंग, स्ट्रिंग रस्सी है, तो फर्क समझ में आ रहा है, तो इलास्टिक स्प्रिंग है। आगे अब इसको मॉडिफाई करना है, ये मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला है, इसको ध्यान से देखना, दोनों तरफ से वॉल्यूम ऑफ वायर से इन्हें डिवाइड कर दो, लेफ्ट को भी और राइट को भी वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से डिवाइड करके वॉल्यूम वायर का है क्या, एरिया इंटू कैपिटल एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लंबाई क्या है इसकी, कैपिटल एल, दोनों तरफ वॉल्यूम से डिवाइड किया, जब वॉल्यूम से डिवाइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया, वर्क डन नहीं, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम हाफ इंटू फोर्स बाय एरिया क्या होता है, स्ट्रेस, और फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ क्या होता है, स्ट्रेन। तो फॉर्मूला तैयार हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी नोट कर लें, ये फॉर्मूला वर्क डन का फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, ठीक है यहां तक, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और ये भी याद रखना, वर्क डन की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये ऐसा भी लिखा जाता है बुक्स में,
फाइंड एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम एक ही बात है, एक ही बात है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का दूसरा नाम है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। तो प्लीज़ ये नोट कर लें, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका सिंबल है छोटा यू, स्मॉल यू। एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी का सिंबल होता है बड़ा यू, एनर्जी डेंसिटी का सिंबल होता है छोटा यू। छोटा यू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की जगह वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है यहाँ तक? तो एनर्जी या एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला भी क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो हमारे पास अगर क्वेश्चन में क्या है, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर हाफ इंटू एफ इंटू स्मॉल एल, वर्क डन का या एनर्जी स्टोर्ड का। लेकिन अगर वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन का फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है, अब इसको मॉडिफाई कर रहे हैं एक बार और। हालांकि मैं इसको करता नहीं हूँ, मतलब मैं, अगर मेरे से पूछो कि सर आपको फॉर्मूला याद है, मेरे को याद नहीं है, पर मैं ये पेपर में बना लूंगा खुद कैसे। वाई क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज वाई इंटू स्ट्रेन, तो तुम इस स्ट्रेस की जगह पुट कर दो वाई इंटू स्ट्रेन, तो क्या बनेगा? हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया, ये बन गया। तो ये फॉर्मूला भी किसका है? वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं। और आप एक और मॉडिफिकेशन कर सकते हो, स्ट्रेन क्या होता है? वाई बाय स्ट्रेस बाय वाई। तो तुम यहाँ पर स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस बाय वाई पुट करके देखो, आपके पास ये फॉर्मूला आएगा। मतलब ये फॉर्मूला मैंने तो याद किए नहीं हुए, सच बताऊँ मैंने एक ही याद किया हुआ है। पेपर में देखेंगे स्ट्रेस की फॉर्म में निकालना है या स्ट्रेन की फॉर्म में निकालना है, तो ये तो याद ही होता है, इसको मॉडिफाई तो किया जा सकता है। पर बुक्स ये फॉर्मूला यूज करती हैं, तो मैंने करवा दिया कि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, या हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई। ये तीनों के तीनों फॉर्मूला एक ही हैं। आप मेरे हिसाब से तो ये फॉर्मूला याद कर लें, ये तो अपने आप ही बनते रहेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? अब एक बड़ा मेजर क्वेश्चन, इतना लेक्चर हो गया, अब किसी ने स्टूडेंट नहीं है पूछा सर ये यंग्स मॉडुलस है क्या, ये तो बता दो। अब ये तो बात नहीं बनेगी ना, कोई पूछ ले घर जाके कि वाई क्या पढ़ के आए जी, यंग मॉडुलस पढ़ के आए, वो क्या होता है? फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल। तो होता क्या ये तो बता दो। अब हो सकता है आप स्टील लेने जाएं या स्टील के बारे में स्टडी करें और उसमें लिखा हो इसकी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू इतनी है, आप क्या समझेंगे यार, क्या फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल है, क्या चीज़ है? वाई या बी या ईटा, तीन कोफिशेंट्स है इलास्टिसिटी के, इलास्टिसिटी के तीन कोफिशेंट है, उनमें से एक कोफिशेंट जो है यंग्स मॉडुलस है। ये अगर किसी मटेरियल की यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हाई है वो ज़्यादा इलास्टिक है, जितने ये कोफिशेंट ज़्यादा आएंगे इलास्टिक मटेरियल उतना ही ज़्यादा इलास्टिक है। अगर दो मटेरियल आपने मेरे सामने रख दिए और तुमने मुझे ये बोल दिया ये ए कंपनी का स्टील है, ये बी कंपनी का स्टील है, ये ए कंपनी का स्टील बहुत बढ़िया स्टील है क्योंकि ये बहुत इलास्टिक है, तो मैं इसको परचेज करूँगा क्योंकि वाई इसका ज़्यादा है, ये ज़्यादा इलास्टिक है, और वाई जिसका कम है वो उस तरीके से ज़्यादा इलास्टिक नहीं होगा। तो ये इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जितना बड़ा कोफिशेंट होगा इलास्टिसिटी उतनी बड़ी होगी। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ये फैक्ट याद रखना कि मतलब पता होना चाहिए कि ये कोफिशेंट्स क्या शो करते हैं, मतलब जितने बड़े ये कोफिशेंट्स हैं उतनी ही इलास्टिसिटी ज़्यादा है। तो ये रीगेन बहुत जल्दी होंगे और अपनी शेप और साइज़ को भी चेंज नहीं करेंगे जब ये वापस आएंगे। ठीक है यहाँ तक?